एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रियंका स्मार्ट प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जहाँ से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो पूरी तरीके से उसका सिनेरियो ही चेंज हो गया था। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कैसे, हम ये देख लेते हैं कि उसके बनने के पीछे कारण क्या थे। कुछ ऐसा हुआ था कि फॉरेन रूल की वजह से जो इंडियन भारतीय लोग थे, उन लोगों के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया था, और ये वो ब्रिटिश राज को हटाना चाहते थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि ये वो भेदभाव और वो जिस चीज़ के लिए वो बिजनेस करने के लिए घुसे थे, लेकिन वो अब पूरी तरीके से टेरिटोरी पॉलिटिकल टेरिटोरियल इन्वेड कर चुके थे और पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे भारत के ऊपर, और जो हर जगह उन भारतीय लोगों के साथ भेदभाव होने लगा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्हें लगने लगा कि वो हर जगह इंसल्ट हो रहा उनका, और वो सबॉर्डिनेट खुद को फील करने लगे अपने ही देश में, ठीक है। और उनको रिलीजन के बेसिस पे रिलीजियसली भी उनके साथ भेदभाव होने लगा, उनका जो लाइफ उनका जो वे ऑफ लिविंग था उसके साथ भेदभाव होने लगा, उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ थे, जो जितने भी प्रोग्रेस उनका था, वो सब कुछ लिमिट कर दिया गया, और वो अब सफोकेट करने लगे थे, उनको घुटन होने लगा था। तो जो लोग थे ना, वो ये सोचते थे कि हम जो पीजेंट्स थे, जो सोसाइटी में जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका रिवोल्ट करेंगे, और वो चाहते थे कि कुछ ऐसा बाहर निकलना चाहते थे, और इसी के लिए उन लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा उनके पास करे जिससे वो इस चीज़ से ब्रिटिश राज से निकल पाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो फेलियर हुआ था, उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो लीडरशिप कह सकते हैं हम उसे, ट्रेडिशनल लीडरशिप में इनएडिक्वेसी आ गई थी, मतलब कि जो राजा महाराजा थे और लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो लोग सब ब्रिटिश के द्वारा डिफीट कर दिए गए थे। अब नए इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, वो एज अ न्यू लीडर इमर्ज कर रहे थे, और इसके वजह से हो क्या रहा था कि दे वर डिस्क्राइब्ड बाई हिस्टोरियंस एज द प्रोफेशनल क्लास और द इंग्लिश एजुकेटेड एलीट और इंटेलिजेंसिया, इनको इंटेलिजेंसिया कहा जाने लगा, और देर वो उनका जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो कम्प्लीटली उन एक न्यू कैरेक्टर में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से उन्हें लगा कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए हमें, और इसकी शुरुआत हुई थी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वो ऑर्गेनाइज किया था एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जो रिटायरमेंट के बाद वो वापस ना जाकर इंडिया में रह गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम इंडिया में उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। तो एक इंडियन नेशनल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, या इंडियन नेशनल जो एक कॉन्फ्रेंस था, उसे पुणे में मार्च 1985 में बनाया गया, ठीक है। और ये पुणे में होने वाला था, बट वहाँ पे कॉलेरा होने के वजह से इसका फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? 1885 में, ओके। और इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, ओके, बॉम्बे में। और इसकी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द INC वॉज हेल्ड इन द हॉल ऑफ कॉलेज कॉल्ड गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये बॉम्बे में है। और ये आपको नाम याद रखने है, इसमें चार पांच चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है, ये किसने बनाया था, इसकी स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसने की थी? एओ ह्यूम ने, ठीक है। एओ ह्यूम कौन थे? ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। इसका पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस होने से पहले इसका प्रीवियस नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ये कब बना था? मार्च 1885 में, ओके। इसका फर्स्ट मीटिंग कहाँ होने वाला था? पुणे में, लेकिन क्यों नहीं हुआ? कॉलेरा की वजह से बॉम्बे में हुआ था। अब बॉम्बे में कहा 28 दिसंबर 1885
1905 में हुआ बॉम्बे में एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, और ये बंगाल के थे। ये कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, और इनके बारे में ये जान लेते हैं हम कि ये फर्स्ट फोर इंडियन बैरिस्टर्स थे इंडिया में। हिज इलेक्शन एस्टैब्लिश्ड अ कन्वेंशन दैट प्रेसिडेंट शुड बी चोजन फ्रॉम अ प्रोविंस अदर देन वन वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज बीइंग हेल्ड। मतलब ये चाहते थे हमेशा कि जिस जगह पे कांग्रेस सेशन हेल्ड होने वाला है उस प्रोविंस से प्रेसिडेंट ना सेलेक्ट करके हम उस जगह से प्रेसिडेंट सेलेक्ट करें जहाँ पे ये कांग्रेस सेशन उस साल में नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी साल में लखनऊ में सेशन होने वाला है तो उस ईयर का जो प्रेसिडेंट होगा वो लखनऊ प्रोविंस से नहीं होकर वो बॉम्बे या किसी और अदर प्रोविंस से होगा, ये डब्ल्यू सी बैनर्जी का मानना था। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो 72 डेलीगेट्स थे ने अटेंड किया था ये फर्स्ट मीटिंग, जिसमें से 39 लॉयर्स थे। दिस ट्रेंड कंटिन्यूड एंड इन एवरी सेशन ऑफ कांग्रेस मोर देन 1/3 ऑफ द डेलीगेट केम फ्रॉम लीगल प्रोफेशन। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक लीगल प्रोफेशन की प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। द ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास लाइक राजाज महाराजाज बिग जमींदार डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। एट दिस स्टेज द कांग्रेस रिलाइड ऑन पिटिशंस एंड डिस्कशंस एंड मेड नो अटेम्प्ट टू एसोसिएट विद द मासेस। ओके, नाउ जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि The proceedings were conducted in a strict parliamentary fashion. वो एक मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट उससे करना है, बट वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब तरीके से चल रहा था। बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज थे। इन द स्पीचेज द मेम्बर्स एक्सप्रेस मॉडरेशन एंड लॉयल्टी टू द क्राउन इन ऑल 9 रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड फॉर इंस्टेंसेज। One resolution demanded appointment of royal commission to inquire into the Indian affairs on which Indians would be adequately represented. Another resolution demanded abolition of Indian Council of the Secretary of the State for India. And yet another resolution condemned annexation of Upper Burma. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन था वो क्या था, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा वो कांग्रेस की तरफ लॉयल्टी दिखाता था। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मेशन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे समझाई। नेक्स्ट मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।